हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अपर लिप्स का वीडियो लेकर आई हूँ कि आप घर पे कैसे अपर लिप्स और फोरहेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपर लिप्स कैसे बनाएं। इसके लिए हमें एक धागा चाहिए, तो ये थ्रेडिंग बनाने वाला धागा है। ठीक है, ये थ्रेड है जो कि थ्रेडिंग फोरहेड कुछ भी आप बना सकते हो। तो एक बित्ता नापते हैं अपनी उंगली से, तो उसे ऐसे डबल फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे नाप सकते हैं। तोड़ लूँगी तो यहाँ पे देखिए मैं इतना ली हूँ, कुछ गांठ बनाने में भी चला जाएगा। तो ये देखिए, ये पहले मैं एक नोट बना ली हूँ, ठीक है यहाँ पे, और ये तैयार है। तो इस टाइप से हमें धागा बनाना है, और उसके बाद एक उंगली ऊपर और एक उंगली नीचे रहेगी। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, यानी कि ये जो खाने वाली हमारी उंगली होती है ना, उससे हम लोग इसको 3 से 4 बार, या जितना मतलब आपको 5 से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर हाथों को इधर फैलाएंगे तो उधर जाएगा, और इधर अगर बड़ा करेंगे, ठीक है, तो इधर छोटा होगा। तो जिधर छोटा होता है उस तरफ के बाल हमारे हटते हैं। तो जब भी आपको धागा चलाना है, तो जैसे कि बाल मुझे अब अभी अपर लिप्स बनाना है, ठीक है, बाल मेरे ऊपर से नीचे हैं, तो ऐसे भी मैं बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ। मतलब अगर बाल ऊपर से नीचे है ना, तो नीचे से उखाड़ते हुए उसको, मतलब नीचे से धागा ले जाते हुए ऊपर की तरफ मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी अपर लिप्स बनाना शुरू करती हूँ। अपर लिप्स बनाने के पहले आप चाहे तो, जैसे कि अगर गर्मी का दिन है तो आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पाउडर भी लगा सकते हैं। ऐसे देखिए, आप कोई सा भी टेलकम पाउडर लगा सकते हैं, फेस पाउडर यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको हेयर निकालने हैं वहाँ वहाँ आप लगा ले। इससे जो हमारे हेयर है वो ड्राई हो जाएंगे और थोड़े खड़े भी जाएंगे, और आपके जो हेयर है वो आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा ली हूँ। मैं नीचे भी अपर लिप्स और लोअर लिप्स भी करूँगी। जहाँ भी हमें बनाना है, जीभ की मदद से यहाँ फुलाएंगे, इससे हमारा स्किन यहाँ का टाइट हो जाएगा और आराम से बाल भी निकल जाएगा, साथ ही हमें दर्द भी कम होगा और कटने छटने के चांसेस भी कम होते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि बोलते हुए मैं बनाऊँगी तो फिर नहीं बना पाऊँगी। तो अभी मैं इधर से इधर ले आ रही हूँ, ठीक है। जैसे ये थ्रेडिंग ऐसे धागा में पकड़ी हूँ, इधर से धागा इधर जाएगा तो बाल जितने भी है ना वो निकल जाएंगे। हाथों को मैं फैलाऊंगी, चाहे तो नीचे से ऊपर भी मैं ले जा सकती हूँ। और ये थोड़ा सा दर्द भी देता है, तो आंखों में आंसू भी आने लगता है। तो इधर से मैं यहाँ तक क्लीन करके पहुँची हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छूट ही गया होगा, तो मैं इसको अपने आईने से देखूँगी। तो मेरे बाल अभी यहाँ छूटे हुए हैं 3-4, और यहाँ भी हैं, तो अभी मैं फिर से क्लीन करूँगी।
आपको लिप्स के ऊपर का स्किन टाइट करना है ताकि अच्छे से बाल निकल जाए। आप चाहे जैसे भी सुविधा हो वैसे टाइट कर सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब जब भी होती है ना तो इधर वाली थोड़ी थोड़ी छूट जाती है लिप्स के एकदम किनारे से, जो लिप्स का शेप है, तो वहाँ पे बहुत हल्के 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 हम चलाएंगे। इसमें भी हमारे बाल रहते हैं जो बहुत महीन होते हैं, तो उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी बहुत बुरे लगते हैं। देखिए मुझे बाल निकालने हैं यहाँ के, तो जिधर बड़ा है उसको रखेंगे बाल के एरिया में और इसको बढ़ाते जाएंगे और यहाँ निकालते जाएगा। तो ये मैं हाफ की हूँ अभी, अभी एक दो दिख रही है लेकिन वैसे क्लीन हो चुकी है काफी। देखिए अब बाल जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगी, ये बड़ा घर जिधर बाल है उस तरफ रखने के लिए। बनाने का तरीका तो यही है, लेकिन अगर आपका इधर से नहीं बन रहा हो तो आप ऐसे ही बना सकते हो। देखिए जैसे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आईना में चेक करूंगी। यहाँ है, यहाँ है। जैसा कि बताया लिप्स के किनारे किनारे भी अच्छे से करेंगे। अब मैं नीचे करूंगी।
तो ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों मैं बना ली हूँ। तो बनाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा जलन देने लगती है, और इसको मतलब जलन शांत करने के लिए आप या तो टोनर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, और या तो फिर यहाँ लोशन, जैसे कि मैं ये लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैं ली हूँ और इसको यहाँ लगाऊंगी और यहाँ मसाज करूँगी।